एबी रोड स्थित किसी बैंक या दुकान पर आप काम से जा रहे और सर्विस रोड पर तय सीमा के बाहर बाइक खड़ी करके जाते हो, तो आपकी बाइक चंद मिनटों में नदारद हो जाएगी। हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि आपकी बाइक कोई चोर ले जाएगा। यह बाइक यातायात नियम विरुद्ध खड़े करने पर पुलिस थाने ले जाएगी। इसे लेकर एसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं। दरअसल इन दिनों फ्लाई ओवर निर्माण के चलते एबी रोड पर रामनगर चौराहा से बावड़िया तक लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसी को लेकर शुक्रवार शाम को एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह, नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान, ट्रैफिक डीएसपी किरण शर्मा सहित निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे। अफसरों ने बावड़िया से लेकर जवाहरनगर चौराहा तक ब्रिज के दोनों ओर का निरीक्षण किया तो जाम की समस्या नजर आई। विकास नगर और जवाहरनगर चौराहा पर जाम की समस्या को देखते हुए यहां अफसरों को व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। साथ ही कुछ जगह पर यातायात के दबाव को लेकर वन वे करने पर विचार किया गया। यदि कहीं पर वन वे किए जाने की आवश्यकता है, लोगों को मिनिमम असुविधा हो, लेकिन जहां जहां पर ट्रैफिक को स्मूथ किया जा सकता है वहां पर यदि कोई वन वे डिसाइड होगा तो फिर वो भी आप लोगों को बता दिया जाए। एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने सख्त निर्देश दिए कि सर्विस रोड पर मार्किंग कर निर्धारित सीमा के बाहर जो भी बाइक खड़ी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और जहां जहां ट्रैफिक रोड खड़ा करते हैं बाइक, सब पर कड़ी कार्रवाई करें। पेट्रोलिंग पार्टी लगाओ, जहां भी कोई बाइक बाइक के सामने ढाबे के सामने खड़ा करता है वहां को बंद करो। देखिए, इस विजिट के साथ साथ हमने ट्रैफिक के और लोकल थाना पुलिस के अधिकारियों को भी रखा है। उनको निर्देशित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्विस लेन पर अपनी बाइक, अपनी गाड़ी पार्क करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि वहां से निकलने वाले ट्रैफिक को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। ऐसे में आपकी गलती आपको मुश्किल में डाल सकती है। देखिए, एबी रोड पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और दूसरा बारिश का मौसम, इसमें ट्रैफिक का कंजेशन नहीं हो, कहीं पर किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, स्मूथली ट्रैफिक चले दिन भर और स्पेशली ऑफिस आवर्स में। इसके लिए हमने आज एक विजिट प्लान की थी नगर निगम के और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ। इसमें जहाँ जहाँ पर कंजेशन हो रहा है, जिस जगह पर हमको लग रहा है कि वहाँ पर कुछ छोटे मोटे निर्माण कार्यों के हिसाब से उसको ठीक करने की आवश्यकता है, स्लिप लेन बनाने की आवश्यकता है, मोड बनाने की आवश्यकता है, उनके बारे में डिसाइड करने के लिए हमने रखा गया था। कई जगह अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनको ठीक करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि जो ट्रैफिक का कंजेशन है, जो परेशानी है, उन लोगों के अधिकारियों को भी लिया है, उनके जो ठेकेदार काम कर रहे हैं यहाँ पर उनको भी साथ में लिया है। जो जो असुविधाएं हो रही है पब्लिक को, उन सबको आज निर्देशित किया जाए और उनके ऊपर सख्ती से हम लोग इम्प्लीमेंट करें।